हाँ यहाँ तो दूल्हों का व्यापार हो रहा है भाई। इस टाइम लैप्स के चक्कर में ठंड से बुरा हाल हो गया। मैं एक ही लेयर में हूँ क्योंकि मेरी लेयरिंग तो नीचे छूटी हुई है। आशीष वहां नाच रहा है, हम लोग इसलिए भी नाच रहे हैं क्योंकि बहुत ठंड लग रही है और मतलब हाथ जम गए हैं यार, थोड़ा सा जुकाम लगने लगा है। भाग भाई भाग, जीवित रहना है तो भागो। चलो भैया, मैक्रोनी है बस। ना ना तो मैगी बनाना, पर पहले दो चाय दे दो। थैंक यू, मेरा ये सूख गया यार, है ना। जल्दी से इसको क्या करते हैं कि अरे खून में टिकटॉक है यार। अवार्ड जो है हम आज ताऊ जी को देने वाले हैं। एक फोटो हो जाए पोर्ट्रेट। चलिए अवार्ड प्रदान कीजिए प्लीज। दोनों हाथ से पकड़ना ताऊ जी। चलिए धन्यवाद। ठीक है, वोट मुझे ही देना। तो जैसा कि आपने देखा कि ताऊ को पुरस्कृत और सम्मानित कर दिया गया है, तो जिस तरह से हमने ताऊ जी को सम्मानित किया, हम ऐसे ही सबको करते रहेंगे अगर हमें सही उम्मीदवार माना जाए और हमें वोट दिया जाए। आप देख सकते हैं कि सर्दी के इस मौसम में हम टी शर्ट में घूम रहे हैं क्योंकि हमें सर्दी से डर नहीं लगता है। कतई ओए मत कर। तो जी इधर आओ, एक बार चश्मा पहन लो। इधर आ, इधर आ। ओए बहुत फाड़ू, बहुत गजब। रुक जा। कतई स्मार्ट मामला, भाग जा यहां से। चलो हम लोग निकल रहे हैं नजीबाबाद कुछ एक शॉपिंग करने के लिए। ये बताते हैं क्या क्या है। ये मेरा एयरपोर्ट लुक है आज। यहाँ पर लवी खड़ा है, वो असल में मेरा पहले गार्ड हुआ करता था, अभी घर के काम वाम करता है। हमारे साथ हैं मोनी भैया। हेलो बोल दीजिए प्लीज। चलिए, अरे मम्मी जल्दी आओ। हाँ यार की टूर खराब कर देते हैं पूरा। रुक जाओ, तुम्हारा सिनेमैटिक शॉट। रुक जाओ, एक पैर डालने वाला। टचैक। अरे की दरवाजा बंद करने वाला। टचैक। मोनी भैया को हमने सुबह सुबह फोन किया कि भैया फ्री हैं आप? तो मोनी, मैंने बोला हाँ पहुंचता हूँ एक दो घंटे में यार। बच्चों बिल्कुल चिल्लाना नहीं घर में, ठीक है? और तोशी को बाहर रोड पे छोड़ देना, ख्याल रखना बुल्ली का। हाय ब्रो, देखिए यहाँ पर काका भी। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम उस दिन देवानंद लग रहे थे, आज तुम कतई मतलब तुम्हारा लुक हीरोइक है यार बहुत ज्यादा। वही तो कह रहा हूँ, खूबसूरती जो टपक रही है चेहरे से। व्लॉग हर में हम ही होने चाहिए। ओके बाबा, चलिए सिद्ध बलि बाबा की जय। अबे उसे भी ले आते यार घुमा के। तोशी को पर तोशी को फिर वहाँ मार्केट में संभालेगा कौन? एक बंदा पकड़ने के लिए चाहिए, भग जाती है वो रोड पे इधर उधर। ठीक है, गली है ना वो गली में मार्केट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चुनाव प्रचार में यहाँ पर युवा शक्ति खड़ी हुई है। नौजवानों की जो एनर्जी है देखिए वो प्रचार में लग रही है यहाँ पर। मुझे मालूम नहीं है कि ये जो छोड़ो तोशी की दीदी हूँ, इनके साथ घूमने जा रही हूँ। हमने दम्मू को भी उठा लिया है, प्यार से इन्हें दर भी कहा जाता है क्योंकि सब मुझसे डरते हैं। दामोदर। तो भाई
हम लोग नजीबाबाद पहुंच गए घर से बिल्कुल एक सजग। थैंक यू। तो गाड़ी जो है हमने पेट्रोल पंप पे खड़ी की है। तो अगर राज की बात बताएं तो ये शॉपिंग जो है शादी की चल रही है और इसमें जो प्रशिक्षित लोग हैं वो हैं महिलाएं जो पीछे चल रही हैं। नजीबाबाद सिटी इसीलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ मेहनती लोग मिले, हर कोई काम कर रहा है यहाँ पर, हर कोई। कोटद्वार से काफ़ी बड़ा मार्केट है इसलिए हम यहाँ आए और थोड़ा सस्ता भी पड़ जा भैया। यहाँ तो दूल्हों का व्यापार हो रहा है भाई। एक मुल्ला जी यहाँ पर टोपी वाले राम जी हनुमान जी इन सब की तस्वीरें बेच रहे थे। ये बहुत ज़्यादा सीखने समझने वाली बात है कि लोगों ने कर्म को प्रभु बनाया है, प्रभु को कर्म नहीं बनाया है। जिनसे भाई लोगों की रोटी चलती हो उसी को तो कहते हैं भगवान। इसको दरअसल कहते हैं पूजा मार्केट। चलो भाई चले। अच्छा कल कोटद्वार में ही थे आप? नजीबाबाद कोटद्वार से आधा एक घंटे की दूरी पे हो गया। रास्ता थोड़ा अच्छा है, 25 किलोमीटर है। पहले आधे आधे घंटे में पहुंच जाते थे, अब थोड़ा एक लग सकता है आपको क्योंकि रास्ता बहुत कच्चा है। इसी की दुकान पे भी देख लीजिए आप, सिंगानी वाला। ये जो पलटन पूरी बैठी है सारे कोटद्वार के ही ग्राहक हैं जो नजीबाबाद आए हैं। मार्केट है भैया, खुद इस्तेमाल करेगा कपड़ा बहुत सुंदर। क्या क्या रेट है तो मैं बता दी रहा वजी कोटद्वार से करते हैं। अच्छा चलिए आपकी मार्केट ही देखी कोटद्वार की। अरे हाँ, तो हम भी पक्के वाले दुकानदार हैं, घूमने में क्या बुराई है। ये देखो थोड़ा इसमें फिसलन ज्यादा है और इसमें थोड़ा गरगरापन आ गया, टेक्सचर का डिफरेंस है इसका। जत्था जमाया जा रहा है, जो जो पसंद आ रही है वो रख रहे हैं। जोड़ीदार ये लोग पूछ रहे हैं कि कलर कलर डार्क पहनती हैं वो या फिर लाइट कलर पहनती हैं। अच्छा, और पल्लू वल्लू होना चाहिए साड़ी में। कैसा भी चलेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये तो पूछना पड़ती है बात। अच्छा ले, हम लोग इंटरव्यू कर लेते हैं। गड़ोली चीनी भी वहीं रहते हैं, सेम प्लेस भी गड़ोली से। पर कोटद्वार हम टीवी गढ़वाल के रहने वाले हैं और घर हमारा कोटद्वार में है। ये कौन सा मार्केट है? ये पूजा मार्केट है और बत्रा साड़ी। बत्रा साड़ी नाश्ता वास्ता घर करके आए हम लोग। बाय। आप भी कोटद्वार से हो? क्या नाम है आपका? अमित भाई। 4, 5, 6, 14 मैं दिखा पाऊंगा। नहीं नहीं आप स्माइल करते रहो भैया, बढ़िया लग रहे हो। मिल जाएगी यूट्यूब दे दो फोन नंबर। लाओ सब्सक्राइब कर दें। तो फाइनली हमारी जो है शॉपिंग डन हो चुकी है, यहाँ पर हम निकल रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ मेरे को अच्छा लगा है, जिनके लिए भी हमने लिया है सारे कलर हमने चूज किए हैं मिलजुल के, तो जो अच्छा लगा हमने वही लिया। हाँ और जिनको पसंद नहीं आएगा वो दोबारा आ जाना यहाँ पर। हमारा मोटो बदल चुका है क्योंकि हमने महिला दल को छोड़ दिया कि तुम अपनी शॉपिंग कर लो भाई, हम खाने जा रहे हैं पान। हम पर कहीं राजन भाई हैं पान वाले तो वहाँ जाते हैं, कुछ लेते हैं पहले। पान किधर है यार? संतो मलन में आपका पार्लर है? बहुत ज़्यादा आगे जाके तो पहले पान खिला दो यार। यहाँ भी आ जाइयो। मेरा फमी स्मार्ट पार्लर है। फमी स्मार्ट जी संतो मलन नजीबाबाद में। 84 से लेडीज जेंट्स दोनों।
लेडीज जेंट्स दोनों। तो भैया आप भी खाओ पान ना, चलो मैं नहीं खाता भाई पान। सच बताओ? मैं कुछ खा लेता हूँ। बड़े खास है हमारे। हाँ एक बार हेलो बोल दीजिए आप। यहाँ तक टीम का ये है। अच्छा केक माफिया, बहुत बढ़िया बेहतरीन। हमारे बाप के दोस्त। चलो बहुत बहुत सुंदर। पान खाएंगे बनवा लेते हैं। ठीक है थैंक यू। मम्मी पार लग रही है। राजन सर आप ही हैं? हाँ तो आपकी दुकान हम बहुत पूछ पूछ के आए हैं। मीठा पान बना दीजिए। यूट्यूब यूट्यूब एक बार आप खाओ पहले हैं। अंकल जी मुझे मुस्कुरा के दवा मत नहीं रहे हो बिल्कुल भी। सुबह को जब भी नजरबाद आएंगे एक चक्कर मार लेंगे इधर का। भाई आप नजरबाद मार्केट व्यू रिव्यू करो, घूमो फिरो तो जरूर राजन भाई के यहाँ के पान खाओ, बहुत बेहतरीन रहा है। खाना वो क्या कह रहे हैं दुकान में जाना, ठीक है। माँ, तो कतई ऐसी लग रही है जैसे नजीबाद में तेरी भी दुकान है। कोटद्वार में दुकान है तुम्हारी? अच्छा अच्छा, ऐसे मत करो बहुत गंदी लग रही हो। चलो भैया सिनेमैटिक शॉट, मैं इसकी नाक बंद कर दूँ। भाई खोल के बंद कर दो मम्मी दरवाजा तुम्हारा खुला हुआ। जाओ भाई सारे। जस्ट रीच, खुशी का माहौल है यार, धीरे धीरे तैयारियाँ हो रही हैं, अब जो जो महसूस हो रहा है बताते रहेंगे आपको भी, ठीक है।